हेलो फ्रेंड्स, अभी पिछले क्लास में हमने देखा था, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। उसमें हमने कुछ उसका पार्ट देखा था, लास्ट में देखा था हमने उसका कमर्शियल यूज़, मतलब जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, उसका कमर्शियल यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हमको यूज़ होता है ना, जैसे कर्ड बनाने के लिए या फिर पेस्ट्रीज बनाने के लिए या फिर और कुछ चीज़ें बनाने के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हमने देखा था। उसके बाद में हम देखने वाले हैं मेडिसिनल यूज़, मतलब अभी जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, फंगीज है, ये सारे हम मेडिसिन बनाने के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। सो देखो, अभी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है पहले देख लो। व्हेन वी फॉल इन ईल द डॉक्टर गिव्स अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एक तो गोलियां देता है या फिर इंजेक्शंस देता है, ठीक है ना। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली होते क्या है, हाउ आर दे प्रोड्यूस, वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। द मेडिसिन्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे दवाई होती है कि जो मेडिसिंस होती है, जो क्या करती है, हमारे बॉडी के जब अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, जो डिसीज कॉजिंग डिसीज कॉजिंग जो पैथोजेंस होते हैं उसको क्या करेंगे, वो तो नष्ट कर देंगे या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर देंगे। उसके कारण हमारी बॉडी फिर क्या होती है, अच्छी हो जाती है, हम क्योर हो जाते हैं। उसको बोला जाता है, हमें क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। द सोर्सेज ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है इसका सोर्स किससे बनती है, ये वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनती है। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। और जो जितने भी अभी ये एंटीबायोटिक्स बनती है वो किससे बनती है, बैक्टीरिया एंड फंगी से बनती है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स दैट आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। कौन से बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनती है, टेट्रासाइक्लिन बनती है, देन एरिथ्रोमाइसिन बनती है। ये जनरल यूज में काम आती है। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से बनती है। देखो, बैक्टीरिया से बनती है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन। मतलब जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो किसने की गई थी, किसने की थी, पेनिसिलिन ने किया था। मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है पेनिसिलिन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वॉज पेनिसिलिन, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोनेटम। ये किससे बनाया गया था, पेनिसिलियम नोनेटम से बनाया गया था। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो मिक्स विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी इसका यूज होता है, मतलब उसके जो डिसीज हुआ है नहीं हुआ है चेक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेस। और जो प्लांट पे भी डिसीज आते हैं उनको भी कवर अप करने के लिए ये एंटीबायोटिक मतलब पेनिसिलिन वगैरह यूज होता है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबॉडीज। अब जो एंटीबायोटिक्स है वो एंटीबायोटिक्स हम जब यूज़ करते हैं तो कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से हमारी बॉडी क्या होती है, क्योर होती है। ओके, बट उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। देखो कौन सी, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब जो डॉक्टर बताएंगे वही मेडिसिन आपको खानी है। अगर कोई मेडिकल में गया, किसी ने अपने मन से मेडिसिन ले ली और खा ली, ऐसा नहीं होता, उसकी रिएक्शन भी हो सकती है हमारे बॉडी पे। इसलिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उससे पूछने के बाद ही हमको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अब जैसे डॉक्टर बोलता है, देखो 5 दिन आपको गोलियाँ लेनी है, तो हम क्या करते हैं, 2 या 3 दिन लेती है और छोड़ देते हैं। वैसे नहीं करना, पूरा कोर्स करना। मतलब 5 दिन बोला है तो 5 दिन वो गोलियाँ हमको लेनी ही पड़ती है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस है वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाए। ओके, देन दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अवर बॉडी। वी मे फॉल ईल अगेन इफ यू डू नॉट कम्प्लीट द कोर्स। अगर हमने कोर्स कम्प्लीट नहीं किया, डॉक्टर ने हमको 5 दिन के बाद आया और हमने सिर्फ 2 दिन ही खाए, ओके 2 दिन खाए, अच्छा लगा, छोड़ दिया, फिर क्या होता है, फिर से वो बढ़ने लगते हैं हमारे बॉडी में और फिर से हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए अगर डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन आपको मेडिसिन खानी है तो खाना ही पड़ता है। वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज। ओके, एक तो अगर हमको गरज ही नहीं है तो एंटीबायोटिक्स खाने ही नहीं है,
और अगर समझो खाना है तो वो रॉन्ग डोज, मतलब जैसे सुबह में खाना था दोपहर को खा लिया, शाम को खाना था खाया ही नहीं सुबह में खाया, ऐसे रॉन्ग डोज में नहीं चाहिए। इट मेक्स द एंटीबायोटिक ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इन द फ्यूचर। ओके, मतलब हमको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गरज का है लेकिन हम उस तरीके से नहीं ले रहे तो फिर हम उसका जो इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है वो प्रॉपरली नहीं होता। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ अच्छे वाले बैक्टीरियाज रहते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी अच्छी रहती है, तो क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स उसको भी ख़त्म कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी बॉडी जल्दी मतलब बीमार पड़ सकती है, इसलिए जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज है हमारी बॉडी में, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बोलते हैं उसको, वो भी क्या करते हैं एंटीबॉडीज किल कर देते हैं। मतलब एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के लिए अच्छा है लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग वे में लो तो वो हमारे बॉडी के लिए इफेक्टिव मतलब हार्मफुल भी है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू कॉजेज बाय वायरसेस बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग वायरसेस। मतलब जो वायरसेस होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती। तो अगर आपको समझो फ्लू हो गया या फिर कोल्ड हो गया तो उसके उस मतलब उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, देन अब दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। अब द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस बाय प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न डिसीजेस। अब वैक्सीन का काम क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में वैक्सीन डाली तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। आपने पढ़ा होगा इम्यूनिटी सिस्टम मतलब हमारे जो बॉडी अंदर की जो प्रोसेसेस है वो स्ट्रांग बनाती है। इसके कारण हमारे बॉडी के बॉडी के ऊपर कोई अगर इफेक्ट करता है, कौन सा डिसीज इफेक्ट करता है तो वो नहीं करने देता, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है स्ट्रांग हो जाती है। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिसीज इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। मतलब एकाध की बॉडी जो डिसीज को क्या करता है रेजिस्ट करता है, मतलब डिसीज होने ही नहीं देता है ना। जैसे अभी कोलेरा चल मतलब ये चल रहा है, कोरोना चल रहा है। अब कोरोना अगर किसी को हुआ लेकिन उसके सिम्टम्स दिखने भी लगे लेकिन वो अपने आप ठीक हो गया, मतलब क्या करी उसकी बॉडी ने उस कोरोना को अपने बॉडी को होने ही नहीं दिया, तो उसको बोलते हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज कैन बी डेवलप अ टेक्निक बाय वैक्सीनेशन। अब समझो किसी डिसीज पे हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसको वैक्सीन उसकी वैक्सीन तैयार की जाती है, फिर वो वैक्सीन उसके बॉडी में डाला तो फिर वो क्या होता है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है उस डिसीज के लिए, तो उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। ओके, अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड डिकेंट डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स यूज टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज वैक्सीन। मतलब वैक्सीन किसको बोलेंगे कि एक डोज रहेगा, ओके, जो डोज हमारे बॉडी के अंदर जाएगा जिसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम क्या होगी स्ट्रांग हो जाएगी ताकि हमको दूसरा डिसीज इफेक्ट ना करे, उसको बोला जाता है वैक्सीन। देन व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन इट एक्ट्स लाइक अ एंटीजेंस एनी फॉरेन सब्सटेंसेज दैट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, एंटीजन मतलब जो पैथोजेंस रहते हैं, पैथोजन कौन, पैथोजन मतलब जो हमको इफेक्ट करने वाले हैं हमारे बॉडी पे, जो हमको डिसीज करने वाले हैं उसके अगेंस्ट जो लड़ते हैं वो रहते हैं एंटीजन, ये हमारे बॉडी में तैयार होते हैं। ओके, ठीक है, उसको एंटीजन बोला जाता है। द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ एंटीजेंस टू रेंडर देम हार्मलेस। ओके, मतलब जो एंटीबॉडीज हमारे क्या कर में बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगे अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स, दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट हिम और हर अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ द सेम माइक्रोब। जैसे समझो कोरोना, अभी कोरोना की अगर वैक्सीन निकल गई और अगर मुझे कोरोना हुआ और वो वैक्सीन अगर मुझको दे दी तो मेरी बॉडी में क्या होगी एंटीबॉडीज तैयार होगी, एंटीबॉडीज क्या करेंगे कोरोना को ख़त्म कर देंगे। और अगर भविष्य में फ्यूचर में अगर मुझे कोरोना हुआ फिर भी वो कोरोना मेरे पे इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर क्या है एंटीबॉडीज वो तैयार होंगी, क्यों, क्योंकि उसकी वैक्सीन मेरे बॉडी के अंदर डाली गई थी। मतलब एक बार अगर वो डिसीज़ हो गया उसकी वैक्सीन अगर हमको लगा दी तो दूसरी बार वो डिसीज़ कम होने के चांसेस रहते, ऐसा नहीं कि होएगा लेकिन कम होता है। ठीक है, सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा ट्यूबरकुलोसिस स्मॉल पॉक्स टिटानस पोलियो हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सारे डिसीज वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होते हैं, मतलब इनकी क्या है वैक्सीन है, ये अगर डिसीज हुए तो उसके लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। ओके, अ वैक्सीन कैन आइदर बी इंजेक्टेड और द जनरल ओरली। ओके, गिवन ओरली मतलब एक तो इंजेक्शन से दिया जाएंगे या फिर हम डायरेक्टली खा सकते हैं। ठीक है,
नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम इज प्रैक्टिस टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द कंट्री अंडर दिस चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स एंड आर रेगुलरली गिवन पोलियो ड्रॉप्स। आपको पता है पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाता है 5 साल, मतलब अपने अगर छोटे बच्चा है तो 5 साल तक होने तक उसको हर साल पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पोलियो ये बीमारी ना हो, इसलिए उसको जो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी के बोलते हैं ना, तो जो 2 बूंद डाले हैं तो वो 2 बूंद क्या है, वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है जो अपने बॉडी के अंदर उसको डाला जाता है। ठीक है, देन देखो अभी ये कुछ चार्ट है, मतलब जो छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है कौन से वैक्सीन दी जाती है हम देखेंगे। इन अवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शंस और वैक्सीन्स टू प्रोड्यूस टू ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेवरल डिसीज। मतलब आप छोटे होंगे या फिर मैं छोटा होऊंगा तब हमको कुछ वैक्सीन्स दी गई थी, हमको पता भी नहीं था कि ये वैक्सीन्स हमको दी गई है, लेकिन वो दी जाती है, हर छोटे बच्चों को दी जाती है ताकि कुछ डिसीज उनको ना हो। ओके, अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट अ पर्टिकुलर एज, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ओके, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, क्या बोले उसको, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलेंगे। मतलब पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर वैक्सीन देना, इसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब देखो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किस तरीके से रहता है, जैसे 0 मंथ, मतलब जैसे स्टम, मतलब बच्चा मतलब पैदा हो गया तो स्मॉल पॉक्स, BCG ये सारे देते वैक्सीन दी जाती है। फिर 3 to 12 months, मतलब 3 या 12 महीने के बीच में DTP फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट द डिप्थीरिया पर्टुसिस, ओके, एंड टिटानस, पोलियो, BCG ये सारे वैक्सीन उसको लस बोलते हैं उसको दी जाती है। देन 9 to 15 months, मतलब 9 से 15 अगर महीने हो गए उसके, तो उसे मिसल्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है। देन 18 to 24 months में DPT, ओके, दैट इज बूस्टर डोज, पोलियो भी दिया जाता है। ओके, ये सारे क्या है, बूस्टर डोज है, मतलब वो वैक्सीन को और उसको बॉडी को क्या करेंगे, इंक्रीज, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए। 5 to 6 years स्मॉल पॉक्स, ओके, उसको दिया जाता है, और 5 to 6 years में DTB दिया जाता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिप्थीरिया एंड द टिटेनस, बूस्टर डोज टाइफाइड वैक्सीन। ये सभी टाइफाइड के, मतलब टाइफाइड वगैरह इससे होता नहीं है। ये क्या है, ये सारा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब ये छोटे बच्चों को 5 से 6 साल तक उसको दिया जाता है ताकि बच्चों को कोई बीमारी ना हो, क्योंकि बच्चों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहती, अगर उस पर अगर कोई बीमारी हावी हो गई तो उससे बच्चे की मौत हो सकती है, तो इस सारे वैक्सीन उसको दी जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं तो वो सॉइल को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, मतलब सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब सुपिकता बोलती है उसको, मतलब जो सॉइल में अच्छा पीक तैयार होता है, अच्छा प्लांट्स उसमें डेवलप होता है, उस सॉइल को बोलेंगे, उसको सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। आप पिछले चैप्टर में राइजोबियम बैक्टीरिया में पढ़े हो। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है क्या, देखो दीज आर प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेग्युमिनस प्लांट। ओके, ये जो रूट्स रहते हैं ना इस पे छोटे छोटे क्या रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, उसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। अब उसका वर्क क्या है, देखो राइजोबियम बैक्टीरिया एब्सॉर्ब्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉल्ड एज नाइट्रेट्स। मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो जमीन से नाइट्रोजन को गैस को खींच लेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे, और उससे कौन सा पदार्थ बनाते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनाते हैं जिसको बोला जाता है नाइट्रेट्स। क्या बोलेंगे उसको, नाइट्रेट्स बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट्स डिकम्पोज द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स मिक्स विद द सॉइल एंड इनरिच इट विद द नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड हेंस इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। मतलब अब जैसे हम हमारे खेत में देखो पूरा पीक हो गया तो उसको हम काटते हैं, ओके, उसकी कटाई करते हैं, हमने पिछले बार देखा था, हमने कटाई की थी, वो कटाई करने के बाद में क्या होता है, उसका जो रूट है वो जमीन के अंदर रहा, वो जमीन के अंदर रूट में क्या होता है, फिर सड़ जाता है, मतलब खराब हो जाएगा, खराब मतलब वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो डिकम्पोज से फिर क्या होगा, उसमें क्या है अभी, नाइट्रेट्स है उसमें, उस रूट्स में वो नाइट्रेट सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, और इसके कारण इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मतलब जो सुपीकता है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए कभी देखना जब हम कटाई करते हैं ना तो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ के हम नहीं लेके जाते, हम उसको ऊपर से कट करते हैं, और जो उसका नीचे का पोर्शन है वो जमीन में ही वैसा रहने देते बहुत दिनों तक, और फिर उसको हम ये वगैरह प्लगिंग वगैरह करते हैं। ओके, सम बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन अर्गी लिविंग इन द सॉइल ऑल्सो फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स। ओके, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अर्गी भी नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रेट्स तैयार करते हैं समझो। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। देखो ब्लू ग्रीन आर्गी इस तरीके से रहती है, ये क्या करती है नाइट्रोजन गैस एब्सॉर्ब करती है और उससे नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट इज उसको बोला जाता है नाइट्रेट्स वो बनाते हैं। ओके देन अ क्लीनिंग द एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ओके क्लीनिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से उसको क्लीन करेंगे। देखो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस एंड डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू हार्मलेस सिंपल सब्सटेंसेस दैट आर रिस्टोर्ड इन द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। अब जैसे आपने देखा होगा एक आध आपके घर का कुछ जानवर मर गया तो उसको आप फेंक देते हो, कुछ दिन बाकी बाद जाके देखना वो जानवर वहाँ पे दिखता नहीं, क्या होता है वो सड़ जाता है। ओके वो तो वो पूरा डिकम्पोज जाता है, वो डिकम्पोज किसने किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किया। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, ताकि वो जमीन में चला जाए और जमीन की उससे फर्टिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है। ओके इन द एब्सेंस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द पाइल्स ऑफ दिस डेड ऑर्गेनिजम्स वुड हैव कवर्ड द अर्थ, वो अर्थ के नीचे दब जाते हैं। सम बैक्टीरिया डिकम्पोजेस सीवेज एंड अदर वेस्ट ऑफ वाटर, दिस इज अ नेचुरल मेथड टू कीप वाटर क्लीन, इन दिस वे दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट। इससे क्या होता है जो वाटर है वाटर भी खराब नहीं होता, वो क्लीन रहता है, इसके कारण एनवायरमेंट क्या होता है सेव होता है। देन सम अदर यूजेज ऑफ माइक्रोब्स, अब कुछ अदर यूजेस किस तरीके से माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं वो देखेंगे। देखो बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज, मतलब जो बैक्टीरियाज है वो लेदर और जूट इंडस्ट्री, लेदर मतलब जो कातड़ा बोलते हैं उसको, वो उसके और जूट इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग द बायोगैस, बायोगैस आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के घर में बायोगैस प्लांट रहता है, तो बायोगैस कौन तैयार करता है, बैक्टीरिया तैयार करता है। दे एक्ट ऑन वेस्ट प्रोड्यूस लाइक एनिमल वेस्ट गार्बेज एग्रीकल्चर वेस्ट एंड बायो प्रोड्यूस बायोगैस। ओके बायोगैस इज यूज एज अ फ्यूल, और बायोगैस किसके लिए यूज़ किया जाता है फ्यूल, मतलब आप जो घर पे गैस वगैरह जलाती हो ना तो गैस जलाने के लिए, मतलब जो गैस आप सिलेंडर यूज़ करते हो तो उसके जगह आप बायोगैस भी यूज़ कर सकते हो। सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स लाइक काउज एंड गोट्स, दिस बैक्टीरिया हेल्प द रूमिनेंट्स डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास एंड प्लांट्स। ये कुछ बॉडी के अंदर भी किसके काऊ या फिर गोट्स के अंदर रहते हैं जो उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ओके देन उसके बाद में हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को हार्म करेंगे या फिर हमारी बॉडी को इफेक्ट करते वो देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस कम्युनिसेबल डिसीज, कम्युनिसेबल डिसीज मतलब क्या होता है, कम्युनिसेबल डिसीज मतलब जो इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे, मतलब एक को हुआ तो दूसरे को होगा उसको बोला जाता है कम्युनिसेबल डिसीज या फिर उसको इन्फेक्शियस डिसीज भी बोला जाता है। ओके सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब ये डिसीज किसको भी हो सकता है, प्लांट्स को भी हो सकता है, एनिमल्स को भी हो सकता है या फिर ह्यूमन बींग्स को भी हो सकता है। द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, और जो जिसके कारण हमको डिसीज होता है उसको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है। ओके इन ह्यूमंस पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, मतलब एक तो हम पानी पियेंगे उससे होगा या फिर जो एयर ले रहे हमारे अंदर उससे होगा या फिर जो हम कुछ खा रहे हैं उससे पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और आर कैरिड आउट थ्रू द एनिमल्स, मतलब एक तो इन्फेक्टेड पर्सन के हमारे अगर कॉन्टैक्ट में आ गए, जैसे किसी को खांसी हो गई उसके कॉन्टैक्ट में आप आ गए उसको भी खांसी होगी, क्यों, क्योंकि वो अगर आपके सामने अगर खांसा तो क्या होगा उसके पैथोजेंस आपके बॉडी में चले जाएंगे या फिर एनिमल्स के द्वारा भी आपके बॉडी में वो पैथोजेंस जा सकते हैं। माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय एनिमल्स आर कॉल्ड एज कम्युनिसेबल डिसीज, इसको क्या बोलते हैं कम्युनिसेबल डिसीज बोलते हैं, मतलब समझो आप अच्छे हो लेकिन अगर आपका दोस्त बीमार है, आपके दोस्त को कुछ ऐसा भी डिसीज हो गया जो फैलता है, ओके जैसे कोरोना फैलता है, तो अगर उसके साथ अगर आप रहे या फिर उसके साथ खाना खाया पानी पिया या फिर उसके साथ रहे उसके कॉन्टैक्ट में आए तो वो पैथोजेंस आपके बॉडी में चले जाएंगे और फिर आपको भी वो डिसीज होता है,
उस डिसीज को बोला जाता है कम्युनिसेबल डिसीज, या फिर उसको दूसरा भी नाम बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। एग्जाम्पल ऑफ आर कम्युनिसेबल डिसीज आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारे चीज़ें किससे होती है, मतलब ये सारे डिसीज किससे होंगे, कॉन्टैक्ट या फिर उस पर्सन के साथ रहने से, उसके साथ खाने से, या फिर वो पानी पीने से वगैरह उसके साथ हो सकते हैं। अब देखो कॉमन डिसीजेस कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, अब कौन से है, देखो वायरसेस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, पॉलीमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मेसल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, रैबीज, एड्स। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। ओके, एड्स का ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म है। तो ये सारा किससे, मतलब वायरस से तैयार होने वाले डिसीजेस है। देन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया कौन सा है, टाइफाइड। अब बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होते हैं, टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, एंथ्रैक्स होता है, टिटेनस होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, डिफ्थेरिया होता है, प्लेग भी होता है। किससे होगा, ये बैक्टीरिया से भी होगा। देन प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, मलेरिया, काला आजार, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोआ से होगा। एंड फंगी, फंगी से कौन सा होगा, रिंगवार। ओके, दैट इज स्किन डिसीजेज रहता है। तो ये सारा, मतलब वायरस से ये डिसीज होंगे, बैक्टीरिया से ये वाले डिसीज होंगे, प्रोटोजोआ से ये डिसीज होंगे, एंड फंगस से ये डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, देन लेट अस स्टडी इन डिटेल द वेरियस वेज बाय विच कम्युनिसेबल डिसीज स्प्रेड। अब बहुत सारे वेज है, जैसे वाटर बोला मैंने, एयर बोला है, ओके, फूड बोला है, या फिर किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से बोला है। तो ये सारे डिसीज होते हैं, तो किस तरीके से होते हैं देखे। ओके, देखो यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन, अब इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इसको खांसी या फिर सर्दी हो गई, ये क्या करेगा, छींकेगा या फिर खांसेगा, तो इसके पैथोजेंस यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, फिर ये यूज़ करेगा उसका रूमाल, तो फिर ये पर्सन, अब ये हेल्दी पर्सन है, तो जैसे यूज़ किया तो इसको क्या हो जाएगा, डिसीज होएगा। या फिर ये खांसा एयर थ्रू इसके पास, इसके अंदर जाएंगे और ये क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। या फिर बाय वाटर, वाटर से भी होता है, देन मॉस्किटो से भी होता है, आपको पता है मच्छर से भी डिसीज होता है, बाय फूड से भी होता है। ओके, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ये डिसीज बहुत सारे वेज से इफेक्ट कर सकता है। थ्रू एयर वी ब्रेथ, जो एयर मतलब हम लेते हैं उससे भी वो डिसीज फैल सकता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज द कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया एक्सेट्रा स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रेथ, मतलब जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, उसके कारण भी हमको वो डिसीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड स्नीज और द कफ, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग जर्म्स आर रिलीज इन द एयर। वेन अ हेल्दी पर्सन ब्रेथ्स दिस एयर, द जर्म्स एंटर इन हिज और हर बॉडी एंड इफेक्ट द पर्सन। अब जैसे मैंने बोला कि अगर किसी को खांसी है या फिर सर्दी है, वो खांसेगा तो उसके क्या होगा, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो उसके नाक से या फिर मुंह से बाहर निकलेंगे। अगर उनके कांटेक्ट में, अभी वो एयर में है, अगर वो एयर आप अंदर लेते हो तो वो जो पैथोजेंस है वो आपके बॉडी में चले जाएंगे और आपको क्या होगा, उसका इन्फेक्शन होगा और आप भी वो मतलब बीमार पड़ सकते हो। फॉर दिस रीजन वी शुड कीप अवर हैंड और हैंडकरचीफ ऑन अवर माउथ एंड नोज वाइल कॉफिंग और स्नीजिंग। अब जब खांसते हो या फिर छींकने हो तो हमको बताया जाता है कि रुमाल आपको हाथ पे लेना है या फिर ऐसे हाथ रखने, ताकि आपके अंदर के जो पैथोजेंस है वो बाहर ना गिरे, ताकि दूसरा पर्सन इन्फेक्ट ना हो। थ्रू वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं उससे भी हमको डिसीज हो सकता है। सम डिसीजेज स्प्रेड थ्रू द वाटर, अब कुछ डिसीजेज वाटर से भी स्प्रेड होंगे, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, हिपेटाइटिस ए, पोलियो, ये सारे है किससे होते हैं, वाटर से होते हैं। द कॉलरा कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर ही और शी ड्रिंक्स एंड इफेक्ट हिम और हर, जो हम पानी पी रहे हैं उसके कारण भी हमको वो डिसीज होते हैं। आफ्टर फ्लड्स और एनी अदर नेचुरल कैलमिटीज वी आर एडवाइज टू ड्रिंक बॉयल वाटर कॉजेज, बिकॉज मेनी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द वाटर एट दैट टाइम। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लोग, फिर डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको बॉयल पानी पीना चाहिए, मतलब पानी गर्म पीना चाहिए। क्यों बॉयल करके, क्यों, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो बॉयलिंग के कारण, टेम्परेचर के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, मर जाएंगे, और इससे फिर वो पानी शुद्ध हो जाएगा और फिर आप वो पानी पी सकते हो। थ्रू द फूड वी ईट, अब जो हम खाना खाते उससे भी हो सकता है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन द सॉइल फ्रॉम वेयर दे एंटर अवर फूड। ओके, सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे, फिर वो सॉइल से
हमारे फूड में आ सकते हैं. ओके, देयरफॉर वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर ब्रिंगिंग देम फ्रॉम द मार्केट एंड बिफोर ईटिंग देम. अब आप मार्केट से कोई भी फ्रूट वगैरह लाते हो, सब्जियां लाते हो, तो उसको पहले घर पे धोना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं धोएंगे, वो मिट्टी से लाए जाते हैं, तो मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, प्रोटोजोआस रहते हैं, फंगाई रहते हैं, तो इसके कारण क्या होगा, वो हमारे बॉडी में चले जाएंगे अगर आप धोगे नहीं तो. तो फिर उससे क्या होगा, आपको डिसीज हो सकता है. इसलिए आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लाओ तो उसको पहले अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है. देन थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. अब एनिमल्स और इंसेक्ट्स से किस तरीके से होंगे. ओके, दीज आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट एक्ट एज अ कैरियर्स कॉजिंग माइक्रोब्स. मतलब जो एनिमल्स है या फिर इंसेक्ट है, ये क्या करते हैं, जो पैथोजेंस है वो कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके कारण भी क्या होते हैं, हमको डिसीज होता है. दिज एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एज वेक्टर्स. उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर्स. मतलब जो एनिमल या फिर जो इंसेक्ट है, छोटा सा कीड़ा है, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह अपनी डिसीज को स्प्रेड कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है. वेक्टर कैरी द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड कॉजेज डिसीज. जैसे अगर मुझे वो डेंगू हो गया और मुझे किसी मच्छर ने काटा, तो वो मच्छर काटने के बाद में वो मच्छर अगर दूसरे को काटता है तो मेरा डेंगू का पैथोजन किसके शरीर में चला जाएगा, उस पर्सन के शरीर में चला जाएगा, और जिसके कारण वो भी क्या होगा, बीमार होगा. ओके, अब देखो हाउस फ्लाई, वो कौन से इंसेक्ट है. हाउस फ्लाई मतलब ऐसे देखो, हाउस फ्लाई हम जिसको मराठी में क्या बोलते हैं, माशी बोलते हैं, माशी. ओके, मक्खी बोलती है इसको, ठीक है. तो ये इसके कारण कैसे होगा, हाउस फ्लाई कलेक्ट द डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स लेग्स एंड माउथ पार्ट्स फ्रॉम द फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्टेज. द सेम हाउस फ्लाई व्हेन सिट्स ऑन अवर एक्सपोजेस फ्रॉम फूड्स एक्सपोज फूड आइटम्स लीव्स द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन द फूड. अब जैसे आपको पता है मक्खी बहुत जगह खराब जगह पे बैठती है, अब वो मक्खी खराब जगह पे बैठी तो उसको पैर को क्या दिखेंगे, वो माइक्रोब्स दिखेंगे. वही फिर आपके फूड पे बैठी तो क्या होगा, उसके जो पैर को लगी हुई जो माइक्रोब्स है वो उस फूड में चले जाएंगे, और फिर वो फूड आप खाओगे जिसके कारण आपको डिसीज होगा, ठीक है. देखो ये हाउस फ्लाई और ये मॉस्किटो. देन व्हेन वी कंज्यूम द फूड वी गेट इन्फेक्टेड. जैसे आप वो खाना खाओगे तो क्या होगा, वो खाने से आपके अंदर पैथोजेंस चले जाएंगे और जिसके कारण आपको डिसीज होगा. वेरियस डिसीज लाइक कॉलरा भी होता है उससे, टाइफाइड होता है, डिसेंट्री होता है, ट्यूबरकुलोसिस दैट इज टीबी होता है. ओके, आर स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ये किसके कारण होगा, हाउस फ्लाइज मतलब मक्खी के कारण भी डिसीज फैलते हैं. सो वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स. मतलब जब भी आप बाहर जाते हो मार्केट में या फिर होटल में खाना खाना जाते हो, अगर वो खुले में है ऐसा ही रखा है और इसमें बहुत सारी मक्खियाँ है, तो वो खाना आपको नहीं खाना है ताकि आप हेल्दी रहें. अगर वो खाना आपने खा लिया तो उसके डिसीज आपके अंदर चला जाएंगे और आपको भी डिसीज हो सकता है. मॉस्किटो, अब मॉस्किटो किस तरीके से होगा, देखो अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग. व्हाइल सकिंग द ब्लड इट ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इनटू अ ह्यूमन ब्लड. प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया. एडेज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरसेस. मतलब अगर आप मच्छर आपको काटता है, वो मच्छर का नाम क्या है, एनाफिलस मॉस्किटो. मतलब एनाफिलस उस मॉस्किटो का नाम है जो आपको काटता है. काटने के बाद में क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो आपके बॉडी के अंदर में चला जाएगा. ओके, जो मच्छर काटता है ना, तो काटने के बाद वो मच्छर क्या करता है, आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ता है. ओके, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया कॉज, मतलब आपको मलेरिया होगा. एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू. और जो डेंगू है वो डेंगू फैलाने वाली मॉस्किटो को क्या बोलते हैं, एडिस मॉस्किटो बोलते हैं. ऑल द मॉस्किटो स्प्रेड इन वाटर. और जितने भी मॉस्किटोज है वो कितने, मतलब किस में तैयार होते, वाटर में तैयार होते. ओके, ब्रीड्स इन अ वाटर. हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड कूलर्स टायर्स फ्लावर प्लॉट्स एक्सेट्रा. बाय कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग. मतलब हमको पता है मच्छर किस में तैयार होते हैं, पानी में तैयार होते हैं. कौन से, जैसे पानी अगर जमा हो गया रहता है ना उसमें, तो आपको क्या उस कौन सी प्रिवेंशन लेनी है, कि अगर आपके घर में या फिर घर के ऊपर में छत पे या फिर कूलर में अगर बहुत दिन से पानी पड़ा हुआ है तो उस पानी को आप फेंक दो. अगर वो पानी फेंक दिया मतलब वहाँ पे मच्छर तैयार ही नहीं होंगे और फिर उससे आपको डेंगू या फिर मलेरिया होगा ही नहीं. अगर आपने वैसे ही रखा वो पानी को तो क्या होगा, वहाँ पे मच्छर तैयार होंगे, फिर वो मच्छर आपके घर में फैलेंगे और फिर अगर वो आपको काट लिया तो मलेरिया और डेंगू होने के चांसेस
रहते हैं। इसलिए आप अपनी सराउंडिंग अगर क्लीन रखोगे तो ना फिर आपको हाउस फ्लाई से कुछ डिसीज होगे, ना फिर मॉस्किटो से डिसीज होगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने इतना सारा पोर्शन पढ़ा है। आप अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से उस पोर्शन को पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। फिर से अगर नहीं समझा तो एक बार वीडियो और देखने ला और उसको प्रॉपरली समझ लेना। ठीक है, ये सारा पोर्शन आज के लिए बस इतना। इसके बाद का जो पोर्शन है हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो घर पे, अच्छे से मतलब उसको रीड करो, और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी जो है हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। देख लो इसको थोड़ा सा, अच्छे से देख लो, बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, बाय बाय।